फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ये बायो पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज विच हैव अन इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल HF, HCl, HF के जनरल डायग्राम की बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को शो करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के पास 9 होते हैं। फ्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि उसमें इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल O2, N2, CO2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मींस यहाँ पे कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, कोई डाइपोल की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है।